Auz billahi rajim dear ninth class students assalamu alaikum today 16th of june 2020 and my topic is birth of the Weimar republic as we are discussing chapter number 3 of our history eh? that is nazism and the rise of hitler and today we are going to discuss to continue

किन के खिलाफ एलीज एलीज का जो है वह है इंग्लैंड फ्रांस रशिया और जिनको लेटर ज्वाइन किया था फिर अमेरिका ने साथ जंग लड़ी थी 1914 से लेकर 1918 तक जर्मनी जो था इसके साइड में इसने किन साइड इन, इनके से जो लोग थे उनमें थे ऑस्ट्रियन एम्पायर जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ा था जंग इंग्लैंड फ्रांस और रशिया के खिलाफ हालांकि जब उन्होंने जंग लड़ा था तो पहले ये ज़बरदस्त मिसाल के तौर पर हम कहेंगे इंथॉस्टिक थे कि हम जल्दी इस जंग को जीत जाएंगे और हम इस जंग से जल्दी हासिल करेंगे जीत हासिल करेंगे उसके बाद हम जो है अपने अपोजिशन वालों को उनको हम दिखाएंगे कि क्या करना है लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था ये जो जंग हमने छिड़ी है ये जो है ये सारे यूरोप और इसके रिसोर्स को ड्रेन करेगी और जो जर्मनी है जो है दरमिनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा आने वाला टाइम होगा कि ये जो जंग है ये कुछ दिनों के बाद नहीं या कुछ महीनों के बाद नहीं बल्कि सालों साल चल सकती है तो ये जंग अज़ीम तो फर्स्ट वर्ल्ड वीच वी आर आलरेडी अवेयर अबाउट दिस दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट इन 1914 एंड इट हैज़ एंडेड इन 1918 दैट मींस इट टुक ऑलमोस्ट फाइव ययर्स टू इट टुक ऑलमोस्ट फाइव इयर्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट तो जहाँ तक इस जंग का ताल्लुक है तो जंग से क्या हुआ था कि यूरोप के जो भी इलाके थे चाहे वो यूरोप का कोई भी इलाका ले लो फ्रांस ले लो ब्रिटेन ले लो जर्मनी ले लो या और भी कोई इलाका ले लो तो सब इलाकों में क्या हुआ था इनकी जो भी रिसोर्स है उनको ड्रेन किया गया इस वर्ल्ड वार फर्स्ट ने इसके अलावा ये जो, जो यूरोप थे इसके जितने भी रिसोर्स है उन सारे रिसोर्सों का पूरा पूरा यूटिलाइज किया गया हालांकि स्टार्ट में जब जर्मनी को थोड़ी बहुत जो है हम कहेंगे विक्ट्री नजर आ रही थी ये कुछ गेन कर रहे थे पहले पहले जब जंग हुए थे तो इन्होंने कुछ चीज़ें कुछ एरिया जो है ऑक्यूपाई किया था फ्रांस और बेल्जियम का यानी अपोजिशन वालों का लेकिन ये जो अलाइज थे इनकी स्ट्रेंग तब बढ़ गई जब इस इंग्लैंड फ्रांस और रशिया के का साथ किन दिया यूएस ने दिया इन नाइनटीन एंड उन्होंने फिर जंग अजीम वर्ल्ड वार फर्स्ट जीत लिया और जर्मनी को उन्होंने हरा दिया तो इस तरह से सेंट्रल पावर्स एंड जो है वो हार गई और जो एलिज थे उन्होंने जीत लिया तो ये तो ये दो अलीज़ दो हम कहेंगे दो पार्टी जिनके दरमियान जंग हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट तो अलीज़ अलीज़ के साथ साथ कौन था इंग्लैंड फ्रांस और रशिया जिनका बाद में साथ दिया किसने यूएस ने और उनने फिर जंग जीती जबकि सेंट्रल अलायंस सेंट्रल पावर जो थे उनका उनमें से थे पहले जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर तो वो थे एक साइड में तो उन्होंने क्या किया था तो उन्होंने जंग हारी तो जिसका जो है हम कहेंगे जिसके जो है वो पुनः मेंट जो है जर्मनी को बाद में दी गई तो जब जर्मनी ने हारा तो इसका एडक्शन ऑफ इम्पैक्ट जो सारा कुछ है इसका कब्जा किया गया और जर्मनी की जो सियासत है अब ये दूसरे तरीके से शुरू होने लगी तो यहाँ जो नेशनल असम्बली है वो वायमार में आकर वहाँ से उन्होंने बातें शुरू वहाँ एक दूसरे के साथ उन्होंने मीट किया तो वहाँ जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को तैयार किया जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम ने कॉन्स्टूशन तैयार किया तो लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्यूशन के साथ साथ उनकी जो स्ट्रक्चर रही वो 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 नहीं थी बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर थी तो इस तरह से उन्होंने टीज़ को कलेक्ट किया तो जो जो, जो पार्लियामेंट में रहेंगे एज मेंबर्स तो उनको सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल वोट्स डाले चाहे तो वो जितने भी अल्डर्ट्स थे इंक्लूडिंग वोमें औरतों ने भी इसमें हिस्सा लिया इस तरह से जो रिपब्लिक अब बना तो इस बात लेकिन जो जर्मनी में जो अब जंग अजीम के बाद ये रिपब्लिक जो बना इसका खास असर अगर हम देखेंगे तो इसका ज़्यादातर असर जो इसके लोग जो है लोगों ने इसको ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार तो इस तरह से जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उन पर जो डिफीट हुई थी उसकी जो शख्स हुई थी तो इस तरह से जो एक प्री स्ट्रेटी हुई थी जिसका जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जब ख़त्म हुआ जब जर्मनी की हार हुई तो एक प्री स्ट्रेटरी हुई ट्रेटी हुई कहाँ पर वर्सले में जहाँ पे क्या कहा गया कि जहाँ पे जो है जर्मनी को इसको मिसाल के तौर पर इतने ने ने तो इसको हार्श और हेमिलेटिंग पीस जो है इसको कहेंगे क्योंकि उसको मतलब दोषी पाया गया कि ये उन्होंने ह्यूमिनिटी के खिलाफ जंग लड़ी है तो उनको जर्मनी को तकरीबन ओवरसीज जो भी कॉलोनीज थे इसके तकरीबन ओवरसीज़ कॉलोनीज वो इसके पॉपुलेशन तक टेन परसेंट थे वो लास्ट हुई इसको उसको वोना वो पड़ा इसके अलावा इसकी टेरीटरी जो थी जर्मन की टेरीटरी देश तक के 13 परसेंट अपनी चेचेरी जो है वो जो इसका आलाक है उसको वो छोड़ना पड़ा इसके अलावा 75 परसेंट आयरन एंड 26 परसेंट इट इस कोर्डर्स वाले जो थे इसके फ्रांस जो है वो भी इसको मतलब लॉस हुए जो फ्रांस पोलैंड और डेनमार्क और लुथनिया ने हासिल किए तो इस तरह से जो एल्ट पावर थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी इसको जंग हराया था तो पेनल्टी के रूप में इसको डिमिल्ट्राइज़ किया जर्मनी को और जब उन्होंने मिल्ट किया इसको और इसके साथ साथ इसके पावर जो है इसको वीकन किया ताकि जो वॉर गुलट जो है जर्मनी है उसको रिस्पॉन्सिबल है यानी कि उसको कहा गया कि आप जंग के मतलब आप हम गएंगे आप आप ही हो जो जिनने जंग शुरू की थी तो आपकी वजह से ही है आपकी वजह से जो है जंग शुरू हुई थी तो उसको दोषी पाया गया कि आपने जंग शुरू किया तो जर्मनी जो है उसको इतना ही नहीं और कंपनसेशन भी जो इतना जंग हारी उसके बाद जंग का जो मतलब नुकसान हुआ उसके लिए कंपनसेशन जो है वो जर्मनी से हासिल किया गया नियर अबाउट सिक्स बिलियन अमाउंट जो पैसे उसे लिए गए कंपनसेशन के रूप में तो वो तकरीबन सिक्स बिलियन तक गई और इस तरह से जो एलड आर्मी थे उन्होंने एक अच्छा सा मतलब जो इसका है इसका इलाका है जिसको हम कहते हैं राइन लैंड जो बिल्कुल रिच है रिसोर्स के हिसाब से उसको ऑक्यूपाई किया और उसको क्या किया तो जर्मनी जो है न्यू ये सारा कुछ हुआ इतनी बेज़ती हुई ये सब कुछ हुआ तो जर्मनी के लोग जो है वो वाईमार के जो वाईमार जो रिपब्लिक नया बना था डेमोक्रेटिक कंट्री जो इसने हुकूमत संभाली थी कंस्टिट्यूशन नया नया बना था उन्होंने उन्हीं को इस चीज़ का रेस्पॉन्बल समझा उन्होंने कहा कि ये यही लोग हैं जिन्होंने हमें इसके ऊपर मतलब इस तक पहुँचाया तो उन्होंने जो है इस गवर्नमेंट का जो है यही इसी वजह है कि इस गवर्नमेंट का ज़्यादातर साथ नहीं देते थे उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब जो है जंग ख़त्म हो चुकी थी वाई में रिपब्लिक इनस्ट्यूशन जो है वो सामने आ चुकी थी जंग में जो है कौन कौन से पनिशमेंट जो है जर्मनी को दिए गए वो भी सामने आ चुकी थी तो अब इस जंग का जो ये सब कुछ हुआ तो इससे जर्मनी जो है वो कितनी मुतासर हुई इस पर इससे कितना असर पड़ा तो वो हम पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ द वार जो हमारा इसके साथ दूसरा टॉपिक है सब टॉपिक तो ऑफ द तो वार अगर आप देखेंगे तो ये जो कंटिनेंट है यूरोपियन कंटिनेंट अगर आप देखेंगे सारा यूरोपियन कंटिनेंट अगर आप देखेंगे तो इससे यानी कि इस पर ज़बरदस्त असर पड़ा क्योंकि इससे चाहे वो साइकोलॉजिकली ले लो चाहे वो फाइनेशली ले लो इससे पहले जो यूरोप था ये क्रेडिटर्स था क्रेडिटर्स का मतलब होता है इनको मैं पैसे ये पैसे जमा करते थे ये मतलब दूसरों को कर्जा देते थे ये सब कुछ करते थे लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब ये जंग खत्म हुई तो यूरोप जो है ये क्रेडिट के बजाय अब डिबर्स बन गए डिब्यटर्स का मतलब होता है जो दूसरों से अब कर्जा ले रहे हैं तो पहले टाइम तो जंग अजीम पहले से इनकी हालत क्या थी ये कर्जे देते थे लेकिन जब जंग अजीम ख़त्म हुई तो ये कर्जे लेते कर्जे, कर्जे लेने पे मजबूर हो गए इतनी इनकी फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गई और इस तरह से जो जो जर्मनी थी जर्मनी की जो नई हुकूमत बनने जा रही थी जो कॉन्स्टिट्यूशन नई बने डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्यूशन बनी जा रहे थे उसके जो लोग थे उनको वो सज़ा उठानी पड़ी जो जिन्होंने जंग लड़ी थी उन जो पहले वो एम्पायर थे जिन्होंने जंग लड़ी थी उसकी सज़ा इस गवर्नमेंट को या इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को इन लोगों को उठानी पड़ी तो इस तरह से जो ये रिपब्लिक थे उनको वार गिल्टी यानी कि जंग के जंग, जो जंग हुई थी इसका जो है वो हम कहेंगे गिल्टी का मतलब होता है यहाँ पे कि उन्होंने जंग कराई थी या उसको हम कहेंगे ये उनका दोष है ये उनकी मतलब उनको पाया गया कि उन्होंने ही जंग शुरू की थी तो इस तरह से उनको क्या है उनको कंपनसे से उनको, उनको दूसरे जो जिनने जंग जीती थी उन्होंने उनको फोर्स किया कि यू हैव टू पे द कंपनसेशन तो इस तरह से उनको नेशनल ह्यूमिलेशन होनी पड़ी यानी उनको और भी बेजती होने हो गई हो गई तो इस तरह से जो भी सपोर्टर्स इस नए जो मॉडल बनाया गया था जर्मनी में जिसको हम कहते हैं वाइमर रिपब्लिक मॉडल तो इनमें जो लोग थे जिनको उनको जो उनको सपोर्ट करते थे इस वाहम रिपब्लिक को वो थे सोशलिस्टस कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स लेकिन उनको भी ईज़िली टारगेट किया उनको कहा गया कि आपने ये क्या किया तो जो दूसरे लोग वहाँ पर थे कंजरवेटिव नेशनल जो जिन्होंने इन लोगों पर सीधा निशाना लगाया कि आप लोगों ने ये जो सारा जो ये जे ऑफ वर्सलस की है ये बिल्कुल जर्मनी के खिलाफ है और जर्मनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो उन्होंने इनको कहा कि आप वो लोग हो जिन्होंने जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया क्योंकि ये जो है ये हुई थी तो उन्होंने इनको नाम इससे शुरू कर दिया उनको आप कहने लगे जिनने ये ट्रीटी की थी ट्रीटी ऑफ वर्सलस तो बर्सेल्स इज़ तो उन्होंने उनको क्या कहा उन्होंने उनको स्टार्ट कहने लगे नवंबर क्रिमिनल्स क्योंकि उन्हीं की वजह से इन ट्रीटी की वजह से जर्मनी के लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनको जंग का जिम्मेदार ठहराया गया तो ये इनकी जिन्होंने उनको ये कहा उन जो वाइमर रिपब्लिक थे लोग थे उनको ये कहा गया था कि आप लोगों ने बिना देखे कि आपने ये सारा कुछ जो है अपने ऊपर ले लिया तो इसकी वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान उठा पड़ा तो जो ज़्यादातर लोगों पर पोलिटिकल डेवलपमेंट का असर था ना इन जर्मनी के लोगों पर तो ये असर जो है बहुत देर तक रही नाइनटीन और इसके बाद भी अब नाइनटीन और इसके आगे भी ये चलता रहा क्योंकि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था इसने सारे यूरोपियन सोसाइटी को और इस पॉलिटी को जहाँ पे वहाँ की सोसाइटी और साथ साथ वहाँ के पोलिटिक्स को उन्होंने इसको बहुत कुछ इस पर जो है इस हम कहेंगे असरानंदाज किया हालांकि सोल्जर्स जो थे जंग में तो उनको सिविलियन से ज़्यादा मतलब ये कहेंगे कि इज़्ज़त दी जाती थी लेकिन जब ये पोलिटिशन जो है उनने भी ग्रेट स्ट्रेस दिया था एग्रेसिव रहने की स्ट्रॉग मस्कुल उन्होंने पावर दिखाने की शुरू की थी लेकिन जो है मीडिया जो है मीडिया इनको ग्लोरीफाई कर रहा था आप ऐसे हो अब ऐसे हो आप ऐसे, ऐसे, ऐसे हो इनको और भी मतलब हम जोश दे रहे थे उनको और भी मतलब शबाशी दे रहे थे लेकिन हकीकत तो ये थी जो सोल्जर्स थे जिनको हम कहते थे कि आप सिविलियन से बहुत अच्छे हो वो है यह है तो इस तरह से, लेकिन हकीकत जो ये थी ये जो सोल्जर्स थी इनकी लाइफ इतनी बुरी हो चुकी थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे उनकी जो बॉडीज़ थी डेड बॉडीज़ थी उनको चूहे खा रहे थे उनके ऊपर बहुत सारे ये कुछ उनको मिसाल के तौर तो पर पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग जो है, है तो इनकी रैंकिंग जो है वो कम होती जा रही थी अगर सो प्रोपगंडा इनके प्रोपगंडा इनके खिलाफ किया जाता उनका जो नेशनल ऑनर था उसको ख़त्म किया जा किया गया था जित इतनी इन पर सख्तियाँ हो रही थी तो इस तरह से जो कंजर्वेटिव मतलब यह है कि सपोर्ट मिल रहा था एक ऐसी पार्टी को जिस पोलिटिकल पार्टी को जो कंजरवेटिव थे तो उन्होंने इस जो डेमोक्रेटिक सेटअप में बनी हुई थे वायमरिक जो अभी फ्रजाइल थी अभी शुरुआत ही थी लेकिन इस फ्रजाइल को उन्होंने क्या किया उन्होंने एक नए सिस्टम में उसको तब्दील किया और जिसका नाम था डिक्टेटरशिप तो जो ये डेमोक्रेसी रिपब्लिक डेमोक्रेसी थी जो एक शॉर्ट पीरियड थी अब इस जो है ये शॉर्ट पीरियड इसका ख़त्म हुआ और ये जो है डेमोक्रेटिक ये जो वाइमर रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक थी ये अब ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सका और जर्मनी जो है अब फिर एक ऐसे रूल की तरफ ले गई जो कहते हैं डिकटरशिप जो बाद में जो है जो बाद में किस किसके अमूर गया जो बाद में आप कहेंगे एक फेसिज्म की तरफ या हम कहेंगे नाजी आजम आइडियलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस